पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर इस समय आप अंग्रेजी वर्ष 2022 के आरंभ होने के उपलक्ष्य में अपने आने वाले वर्ष का भविष्यफल जान रहे हैं। तो आज हम आपके लिए सिंह राशि का वर्षफल लेकर के आए हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि आज जो ये सिंह राशि का फल हम देने जा रहे हैं, तो आपके अंदर कितने गुण और कितने दुर्गुण हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है और किन किन क्षेत्रों में आपको कार्य करना है, उसके पहले आपका यह जानना आवश्यक है कि यह जो राशि फल है वह आपके जन्म राशि के अनुसार है। यदि आपके पास जन्म राशि का ज्ञान नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम से भी इस राशि फल को देख सकते हैं। तो मित्रों, सिंह राशि यह पूर्व दिशा की देवता है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है और इसके स्वामी भगवान सूर्य हैं। इनका जो चिन्ह है वह शेर है। सिंह राशि भगवान सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व की यह राशि है, इसलिए सिंह राशि के लोग प्रायः ऊर्जावान होते हैं। इनके अंतर्गत मघा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आता है। केतु मंगल जातक में दिमागी रूप से आवेश पैदा करते हैं। केतु शुक्र जो जातक में सजावट और सुंदरता के प्रति आकर्षण को बढ़ाते हैं। केतु और बुध कल्पना करने और हवाई किले बनाने जैसी सोच पैदा करते हैं। चंद्र केतु जातक में कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। शुक्र सूर्य जातक को स्वाभाविक रूप से प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर करते हैं, इसलिए जातक का सुंदरता के प्रति विशेष मोह और आकर्षण होता है और वो कामुकता की ओर भागता है। जातक में अपने प्रति स्वतंत्रता की भावना रहती है और किसी भी बात को वह इसमें किसी की परामर्श को नहीं मानता है। जैसे जातक पित्त और वायु विकार से परेशान होते हैं तो उनके लिए रसीली वस्तुओं को पसंद करने के कारण कम भोजन करना, खूब घूमना टहलना इनकी आदत है। सामाजिक कार्यों में कुछ इनको मिले ना मिले लेकिन व्यर्थ में अपना धन खर्च करने का स्वभाव रहता है। कोई भी इनका झंडा लेके आगे चले तो उसके लिए पैसा खर्च करते रहते हैं, भले वह अपने परिवार में उस खर्च को ना कर सकें। छाती बड़ी होने के कारण इनमें हिम्मत बहुत होती है और मौका आने पर यह लोग जान पर खेलने भी नहीं चूकते हैं। जातक जीवन के पहले दौर में सुखी और दुखी, अंतिम अवस्था में पूर्ण रूप से सुखी हो पाते हैं। सिंह राशि वाले जातक हर कार्य अपना थोड़ा शाही ढंग से करने का स्वभाव होता है, तो जैसे सोचना शाही, करना भी काम शाही, खाना पीना भी शाही, रहन सहन भी शाही होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होता है। इस राशि वाले लोग जुबान के पक्के होते हैं। जातक जो खाता है वही खाएगा, अन्यथा भूखा रहना पसंद करेगा। वह आदेश देना जानता है, किसी का आदेश उसे सहन हो जाए यह उसको मंजूर नहीं है। जिससे प्रेम करेगा वो मरते दम तक उसको निभाएगा। जीवन साथी के प्रति अपने को पूर्ण रूप से समर्पित रखेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को आना इस राशि वाले को कतई पसंद नहीं रहता है। जातक कठोर मेहनत करने वाले, धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। स्वर्ण पीतल और हीरे जवाहरात का व्यापार इनको बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा तांबा पीतल जैसी धातुओं का भी ये व्यापार अपने जीवन में अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। सरकार और नगर पालिका वाले जो पद हैं इनको खूब अच्छे लगते हैं और ये उन पर सफल भी हो सकते हैं। यदि जीवन में आपका सूर्य मजबूत है तो आपको इस क्षेत्र में सफलता राजनीति में मिल सकती है। जातकों की वाणी और चाल में शालीनता पाई जाती है। इस राशि वाले जातक सुगठित शरीर के मालिक होते हैं। नृत्य करना भी इनकी एक विशेषता होती है
और नृत्य देखना भी इनकी एक विशेषता होती है। अधिकतर इस राशि वालों को तो यह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं या फिर आजीवन बीमार रहते हैं। क्यों? यदि लग्नेश सूर्य का स्वास्थ्य से संबंध हुआ, सूर्य पुष्ट है, लग्नेश पुष्ट है, तो फिर ये जीवन भर स्वस्थ ही रहते हैं। और यदि बीमार हो गए लग्नेश चंद्रमा, कहीं छठवें आठवें बारहवें के चक्कर में पड़ गए, तो इनको कोई ना कोई बीमारी प्रायः घेरे ही रहती है। जिस वातावरण में इनको रहना चाहिए, अगर वह न मिले तो इनके अभिमान को कोई ठेस पहुंचाए या इनके प्रेम में कोई बाधा बने, तो यह सदैव फिर वहां से दूर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बीमार रहने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी की बीमारी, कमर की हड्डी की बीमारी या चोटों से अपने जीवन को खतरे में डाल लेते हैं। इस राशि के लोगों के लिए हृदय रोग, धड़कन का रोग, बीपी का रोग, तेज होना, लू लगना आदि बीमारी होने की प्रायः संभावना रहती है। यदि अपने जीवन में माणिक रत्न धारण करें और भगवान सूर्य की आराधना करें तो इनके लिए बहुत सुखमय रहेगा, क्योंकि इनके राशि के स्वामी सूर्य हैं। और यदि यह भगवान सूर्य की आराधना करें तो इनके जीवन में बहुत सी परेशानियां रास्ते चलते ही समाप्त हो जाती हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि वर्ष 2022 इनके लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सुखद अनुभव लेकर के आएगा। सिंह राशि के जातक सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त करेंगे, माता पिता से संबंध मधुर होंगे, पारिवारिक जीवन में सौहार्दपूर्ण रहेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा और नए भूमि भवन वाहन से जुड़ने का योग बन रहा है। नया मकान बनाएंगे या मकान में अपने मरम्मत करा के नवीन वातावरण में रहेंगे और नवीन संबंधों में नई गतिविधियां इनके जीवन में इस वर्ष में क्रियान्वित होंगी। परिश्रम में सफलता प्राप्त करेंगे, सामाजिक यश प्रतिष्ठा मान में वृद्धि होगी, न्यायालय संबंधी कार्यों में इनको विजय प्राप्त होने वाली है, संतान के विषय में निर्णय सही दिशा को प्राप्त करेंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वर्ष के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं, वह दीर्घकालीन निवेश से लाभ प्राप्त करेंगे। जो वर्ष का आरंभ है अप्रैल माह तक, स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आपके जीवन में रह सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जहां आप निवेश करने जा रहे हैं तो वह निवेश यदि दीर्घकालीन करें तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ फलदायी है। विद्यार्थी वर्ग इस वर्ष सफलता के नए आयाम प्राप्त करेंगे। सिंह राशि के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे, प्रेम प्रसंग मधुर रहेंगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, नौकरी पेशा वर्ग का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी और उनके जीवन में भी सुख शांति बढ़ेगी। स्त्रियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और लाभ हेतु प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें, गाय को रोटी गुड़ आदि खिलाएं और पांच मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें तो निश्चित ही इनका यह वर्ष अत्यंत सुखमय, शांतमय, उन्नतमय रहेगा। इस तरह से यह सिंह राशि का वर्ष आपके लिए सुखमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगले भाग में कन्या राशि का वर्षफल लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।